Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। जीरो नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और एक डिस्चार्ज या क्योर्ड केस। थोड़ा एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो आंकड़ा सिर्फ 6 पर है। एक डेथ शामिल है आज के इस बुलेटिन में। एक तरफ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन कर्नाटक की बुलेटिन में एक चीज़ अगर आप नोट करें तो धारवाड़ के अंदर 42 केसेस आज रजिस्टर हुए हैं। ये 42 केसेस इसलिए रजिस्टर हुए हैं क्योंकि हाल ही में वहां पर धारवाड़ के मेडिकल कॉलेज के अंदर 66 स्टूडेंट्स को कोविड पॉजिटिव हुआ है। ये बड़ी गंभीर आपको हम खबर सुना रहे हैं आज की इस बुलेटिन में। 66 बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं उन्हें कोविड पॉजिटिव हुआ है, फर्स्ट ईयर के MBBS स्टूडेंट्स हैं। हाल ही में सरकार ने स्टूडेंट्स को यानी कि मेडिकल रहने दो या फिर आयुष उन्हें अलाउ कर दिया है, तो फर्स्ट ईयर की एक फ्रेशर्स की पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में जो बच्चे अटेंड किए थे 400 बच्चों में से फिलहाल की 66 बच्चों की खबर आ रही है कि पॉजिटिव आ चुके हैं और अभी 100 बच्चों का टेस्ट बाकी आना है, बाकी के नेगेटिव हैं। हमारी गुजारिश यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को प्रोटेक्ट करना हो तो फिलहाल के लिए धारवाड़ हुबली से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके ट्रैवलिंग पर थोड़ा सा आप पाबंदी करें, वहीं पर रिस्ट्रिक्शंस रखें। कोई भी बिजनेस का मामला 7-8 दिन तक अगर आप कम रखेंगे तो हो सकता है कि ओवरऑल जो स्टेट के अंदर अचानक से जो ब्रेक तो बढ़ता है, ऐसी चीज़ों से बढ़ता है, तो गुजारिश है कि इस तरह कोई स्टेप लें ताकि केसेस को कंट्रोल में रखा जाए। ह्यूमन एड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सोशल वर्क के लिए जाना जाती है, इस बार भी उन्होंने कॉरपोरेशन कमिश्नर से मुलाकात की और एक गंभीर चीज़ पर उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि मोमिनपुरा और रोज़ा ब्लॉक एरिया के अंदर स्ट्रीट डॉग्स काफ़ी फिर रहे हैं, कई सारे कुत्ते जो आवारा हैं इधर से उधर फिर रहे हैं, आड़ी बाड़ी जिसे हम बोलते हैं फिर रहे हैं, बेतुका फिर रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, बड़ों को काट रहे हैं, किसी को सुन रहे नहीं, समझ रहे नहीं। कोविड 19 चल रहा हो या फिर बिजनेस की मार थोड़, कुत्तों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे में ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन अलमदार जैदी, मोहसिन खैरदी, खुसरो नजीब और हदसात सभी लोगों ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है स्नेहन लोखंडे कॉरपोरेशन कमिश्नर को कि भाई आप इस पर एक्शन तुरंत लें ताकि स्ट्रीट डॉग्स को कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ से बाहर निकाला जाए ताकि मासूमों की जान बच सके। आइए कमिश्नर साहब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर तक स्ट्रीट डॉग्स के ताल्लुक से डिस्कशन हुई। पिछले कई सारे दिनों से हमने ये इशू को उठाते आए हैं। बीच में 10 बच्चों को 3-4 महीने पहले कुत्ते काटे थे, उससे पहले 15-20 बच्चों को दरगाह एरिया, रोज़ा ब्लॉक और मोमिनपुरा ब्लॉक में और ख़ासकर मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 24, 22, 21 ये जो इलाका है मेरा मोमिनपुरा, यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक ज़माने से चलते आ रहा है। सुबह 7 बजे 6 बजे हमारे जब छोटे बच्चे अरबी के लिए जाते हैं, स्कूल्स के लिए जाते हैं, तो उन्हें कुत्तों ने उन्हें देखकर अपना शिकार बना रहा है, बच्चों का हाथ काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, कंबर गने काट रहे हैं। इसके रिलेटेड इशू पर हमने आज कमिश्नर साहब से मुलाकात की और कमिश्नर साहब को हमने मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में हमने ये डिमांड की कि जितना जल्दी हुआ उतना जल्दी मोमिनपुरा, रोज़ा ब्लॉक, वार्ड नंबर 29 ये एरियों से कुत्तों को निकाला जाए। हमने तकरीबन मैं समझता हूँ कि वार्ड गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूरे वार्ड को मेंशन किया है क्योंकि ये कुत्तों का प्रॉब्लम सिर्फ एक रिलेटेड एक वार्ड में नहीं हो रहा है, गुलबर्गा नॉर्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि आने वाले दिनों में, क्योंकि 2 साल से स्कूल्स बंद थे, अब स्कूल्स चालू हुए हैं, अरबी क्लासेस चालू हुए हैं, तो हमारे एरिया के बच्चों को, हमारे जो स्कूल्स जाते हैं बच्चे, वो लोगों को प्रॉब्लम ना हो, उसका मसला, इसका हल जल्द से जल्द करके ये स्टे डॉग्स फ्री सिटी बनाए गुलबर्गा को। उसके बाद एक बड़ी खबर ला रहे हैं, सऊदी अरेबिया ने डायरेक्ट एंट्री कर दी है 6 कंट्रीज जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं। यहाँ पहले क्वारंटाइन के रूल्स रखा गया सऊदी अरेबिया के अंदर, लेकिन अब खुली तौर पर डायरेक्ट एंट्री है, कोई क्वारंटाइन करने की नहीं है। नया डायरेक्टिव आ चुका है, वेडनेसडे को यह डायरेक्टिव आ गया है और 1 दिसंबर से ये रूल्स लागू हो जाएंगे। ब्राज़ील, वियतनाम भी इसके अंदर शामिल इस लिस्ट के अंदर। तो आपको 14 डेज जो क्वारंटाइन थर्ड कंट्री में करना है वैसा नहीं है, आपको सऊदी अरेबिया आना है और यहाँ पर ही आपको 5 दिन आपको क्वारंटाइन होना है। आपका इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या भी रहो, आप 2 डोज भी लिए होंगे, आप 3 डोज भी लिए होंगे, तो भी आपको सऊदी अरेबिया में 5 दिन गुजारने हैं, उसके बाद आप वापस से शहर के अंदर घूम सकते हैं।
एमएलसी इलेक्शंस आ रहे हैं, एमएलसी इलेक्शंस के अंदर बड़े बड़े दावेदार हैं, लेकिन कांग्रेस के एमएलसी की जो नॉमिनी है बेंगलुरु से यूसुफ शरीफ, उन्होंने अपने एसेट जब डिक्लेयर करना होता है नॉमिनेशन टाइम पे, उन्होंने डिक्लेयर किए 1700 करोड़ दिया, 1700 करोड़। कई सारे ब्लैक मनी होते हैं, व्हाइट मनी होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने एसेट में 1700 करोड़ का एसेट बताया, जो कि कई सारे मिनिस्टर से भी ज़्यादा है। यानी एमटीबी नागराज ने अपने एसेट डिक्लेयर किए थे 1200 करोड़, तो इससे भी ज़्यादा है। इस बार इसलिए होगा कि एमएलसी इलेक्शंस के अंदर कई सारे रियल एस्टेट बिजनेसमैन भी हैं, फैक्ट्रीज रखने वाले भी हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड लोग वाले भी हैं, इसीलिए इस तरह के बिग शॉट्स एमएलसी इलेक्शन में नजर आ रहे हैं। आखिर में हम बात करने वाले हैं गुलबर्गा के अंदर एक नई होटल खुल चुकी है, एसआर कॉन्टिनेंटल। जी हाँ, एक सुप्रीम क्वालिटी की होटल खुल चुकी है, सिंबल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जी हाँ, शफीकुर रहमान जो कि एक काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और बिल्डर डेवलपर्स में वो काफ़ी नाम बना चुके हैं, कंस्ट्रक्शन के कई सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स वो देते आए हैं, और इस बार उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट को अपनाया है, जहां पर उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास होटल खोली है। होटल यानी कि लॉजिंग वाली जो होटल आती है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे रूम्स उन्होंने बनाए हैं ताकि बिजनेस क्लास को वो केटर कर सकें। जी हाँ, इसके साथ साथ उन्होंने एक वहाँ पर होटल खोली है, टेस्ट ऑफ मोगलाई फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, जहाँ पर ग्लोबल कुजींस मिलेंगे आपको और संडे ब्रंच। यह फर्स्ट टाइम गुलबर्गा के अंदर हो रहा है, बिजनेस क्लास होटल भी खोली गई है। इससे कई सारे ऑफर्स हैं, हमारे एक एक्सक्लूसिव वीडियोस पर आने वाला है। इसके साथ साथ हम देखते हैं शॉर्ट हाईलाइट के साथ साथ शफीकुर रहमान साहब का क्या कहना है। एसआर कंस्ट्रक्शन से अचानक यहाँ पर किस तरह से? सब कंस्ट्रक्शन में तो हम लोग एक तकरीबन 20 साल से थे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे हम वेंचर्स लिए हुए हैं। तो अब हम चाह रहे थे कि भाई गुलबर्गा में एक अच्छे हॉस्पिटलिटी बिजनेस होटल आना चाहिए, तो हम काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में घूमते थे, कई स्टार होटल्स में ठहरते थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि भाई ऐसे कुछ स्टार होटल के यहाँ गुलबर्गा में आना चाहिए। तो उसके वास्ते मैं ये प्रोजेक्ट लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट भी हुआ, काफ़ी अच्छा होटल बना हुआ है। क्या क्या रहेंगे शेफ साहब इसके अंदर, एकदम आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ बताइए। सर, इसमें एक अच्छा हम रेस्टोरेंट रखे हुए हैं, 30 रूम्स है, प्रीमियम रूम्स है, सूट रूम्स है, राउंड द क्लॉक आपको फूड सर्विस अवेलेबल है इन हाउस के वास्ते। आउट हाउस के वास्ते है ना, आप सुबह से ले तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर ले सकते, और हमारे पास संडे में जो है ना बफेट काउंटर्स भी लगे हुए हैं, आप कभी भी आके उसको अपना टेस्ट ले सकते। और हमारे जो कुक्स है, जो शेफ़ है, वो ऑल ओवर इंडिया से लिए हुए हैं, जहाँ से जो चीज़ बेस्ट मिल सकती है हम वहाँ से वो चीज़ को प्रिक्यूट करके लेकर आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, आप कभी भी आके आप ये कर सकते हैं। शादी के फंक्शंस वो भी रहे तो हम कैटरिंग भी चाह रहे तो आप कैटरिंग भी हम करके दे सकते हैं। यानी कि बर्थडे पार्टीज़ हो गया, शादी के इवेंट्स हो गए, या फिर अगर कोई रिसेप्शन देना चाहता है तो वो भी लोग दे सकते हैं? रिसेप्शन तो नहीं, कैटरिंग दे सकते हैं। हाँ, तो रिसेप्शन के वास्ते उतनी जगह नहीं है हमारे पास, तो उसके वास्ते हम बाहर आके आपको वहाँ कैटर कर सकते हैं। तो गुलबर्गा देखिए शिव साहब एक अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस बन गया है, तो जितने भी हमारे पास जो लोग आते हैं उनका वेलकम करना चाहेंगे सबसे पहले गुलबर्गा में। तो आप उनके लिए क्या आपके व्यूज रहेंगे, क्या आपका सजेशन रहेगा? सजेशन अगर एक नया टेस्ट है गुलबर्गा में, एक अच्छा होटल आया हुआ है, आप आके रुकिए, रुकिए आप देखिए, आप इंजॉय करते हैं कर सकते हैं। बाहर से भी आना नहीं है, आप गुलबर्गा में भी आप टायर्ड हो गए हुए हैं, आपको चेंज चाहिए, तो हमारे रेस्टोरेंट अच्छा है, हमारी होटल अच्छी है, आप आके यहाँ रुक सकते हैं, एक आध दिन अच्छा बिता सकते हैं, अच्छा काफ़ी इंटरटेनमेंट है जी, इन्जॉय कर सकते हैं। फूड के वास्ते देखिए, जितने स्पेशलाइज जो शेफ़ थे, जहाँ हमको अवेलेबल मिल सकते थे, हम इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सैलरीज हम उनको प्रिक्यूट करके यहाँ लेकर आए हुए हैं। जैसा कि अपना कॉन्टिनेंटल के हैं, आपके ताज के कुक्स हैं, और काफ़ी बड़े बड़े जो स्टार होटल्स में जो ऑलरेडी वर्किंग थे, हम उनको वहाँ से लेकर आए हुए हैं ताकि एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड यहाँ दे सकें। हम इतनी आपको गारंटी दे सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड और बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। gohaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हां, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट gohaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।